ਤੇ ਉਧਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਐਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਚੰਦਰ ਦਿਵਾਕਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਪਵਾਦ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸਤਰੰਗ ਬਲੀ ਹਮਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੇਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਯਂ ਬਨਵਾਸੀ ਹੈ, ਗਿਰਵਾਸੀ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਹੈ, ਵੰਚਿਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕੇ ਸਭੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁਦਾਇ ਕੋ ਉੱਤਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਕਸ਼ਿਣ ਤੱਕ, ਪੂਰਬ ਸੇ ਪਸ਼ਚਿਮ ਤੱਕ सबको जोड़ने का कार्य योगी जी ने जो बयान दिया है अलवर के अंदर, उसमें उन्होंने कहा है कि हनुमान जी वंचित हैं, हनुमान जी आदिवासी हैं, हनुमान जी दलित हैं, तो ये सरासर गलत है। हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं, उनके प्रति सब लोगों का सम्मान है, करोड़ों लोगों की भावना उनसे जुड़ी हुई हैं, और उनका एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस प्रकार का बयान देना सरासर गलत है। इस मामले में हमने उनको नोटिस दिया है सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से, और उनसे कहा है कि 3 दिन में या तो माफ़ी मांगें कि हनुमान जी के बारे में इस प्रकार का अपमान हम नहीं सहेंगे। और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि हनुमान जी का अपमान राजस्थान नहीं सहन कर सकता। जिस प्रकार से उन्होंने भाषा बोली है, वो तो हमारे आराध्य देव हैं, उनके प्रति उनको सम्मान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि उनको वंचित कह रहे हैं जिनसे हम लोग मांगने जाते हैं। विशेषकर सबसे बड़ी बात, कई लोग तो अन्य जल तक ग्रहण नहीं करते जब तक कि हनुमान जी के मंदिर में नहीं चले जाते। तो ऐसे ही भगवान के प्रति जो एक जातिगत रूप से उनको सामने लाने का प्रयास किया गया, उसके खिलाफ हम लोगों ने उनको नोटिस दिया है। तो कब तक जवाब? हमने 3 दिन में उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा है। अगर उनके बैठ जाएगा दिमाग में और माफ़ी मांग लेते हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं मांगते तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे।